हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल m.shamshadmedia फॉर लेटेस्ट मुशायरा एंड अदर प्रोग्राम्स एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में NSUI AVP आयशा के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन एवं बंदी किया गया। अरे आज विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात करते हैं NSUI अध्यक्ष त्रिभुवन जी से। विभिन्न मांगों को लेकर के दरभंगा NSUI ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि बीएड के छात्र को, पीजी के छात्र को, ग्रेजुएशन के छात्र को, एमके कॉलेज के अध्यक्ष पद के मामला को लेकर के सहित 11 मांगों को लेकर के दरभंगा NSUI पूरे यूनिवर्सिटी को बंद करेगा, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा छात्र के हक के से हट करके छात्र को परेशान और समस्या खड़ा करने का काम किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बगल में दो दो हॉस्टल है, उसमें नए सत्र के जितने भी छात्र हैं सबको मिलना चाहिए, लेकिन उस पर जो है असामाजिक तत्व के छात्र कब्जा कम जमाए हुए हैं, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह के विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग जो है पूर्ण रूप से आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन कुमार, NSUI जिला अध्यक्ष दरभंगा। आज जो हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय बंद कराने की मांग को लेकर जा रहे हैं, वो हम लोग का निम्नलिखित मांग है, जो कि आप लोग को पता होगा कि इस बार जो शासन का चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से एक तरफा, एमके कॉलेज में जो शासन प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ वो पूरी तरह से एक तरफा चुनाव कहा जाए तो हुआ। प्रेसिडेंट पद के लिए वहाँ पर मेरा प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट जो कि 3 बोर्ड से आगे चले गए थे, फिर वहाँ पर वहाँ जो प्रिंसिपल है वहाँ के, वो सिर्फ प्रेसिडेंट का, मेरा प्रेसिडेंट का फेस देखकर फिर उनको 1 बोर्ड से पीछे कर दिया, क्योंकि बोला कि तुम लोग इस कॉलेज में फिर जीत जाओगे तो गुंडागर्दी करोगे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय बंद करने का ऐलान किया है, और VC साहब को सचेत कर देना चाहते हैं कि लगातार जो छात्रों के साथ साथ जो आप उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की जो समस्या लगातार बढ़ती रही तो हम विश्वविद्यालय को नहीं चलने देंगे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय बंद कराने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? अनिकेत कुमार, NSUI दरभंगा जिला कमेटी सदस्य। सभी यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। कॉल दे दिया था विश्वविद्यालय बंद का, कि मांग हम लोग का प्रमुख मांग है, सेकेंड सेमेस्टर में जो भारी तौर पे रिजल्ट गड़बड़ी हुई है, और रिजल्ट गड़बड़ी इधर ऐसे वैसे नहीं हुआ है। जिस लड़के को अपने डिपार्टमेंट का स्पेलिंग नहीं आता है, उसको एक एप्लीकेशन लिखने को बोल दिया, उसको एप्लीकेशन नहीं आता है, वो छात्र डिपार्टमेंट का टॉपर बन जाता है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं इस कॉपी का पुनः जांच करें, और इस कॉपी के जांच का रिजल्ट जब तक प्रकाशित ना हो तब तक एग्जाम का डेट प्रकाशित नहीं हो। और दूसरी मांग ये है, जो हॉस्टल जिस छात्रों ने अप्लाई किया था उस छात्रों को हॉस्टल आवंटन हो गया है, हॉस्टल में प्रवेश क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब हॉस्टल में छात्र जाते हैं तो वहां से बरगला करके वहां के जो पुराने छात्र हैं, जो कई सदियों से अपने घर बना के रह रहे हैं, वो छात्र उनको वहां से बरगला करके भगा देते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को सचेत करने आए हैं, तुम यदि संज्ञान नहीं लोगे, तुम्हारा एक नया हॉस्टल बना हुआ है, उसका ताला का गेट, उसका ताला तोड़ेंगे और तमाम छात्रों को उस हॉस्टल में हम घुसाएंगे। और जो एग्जाम का डेट आनंद फानन में इन्होंने घोषणा किया है, किसी डिपार्टमेंट में सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में इंटरनल नहीं हुआ है, लेकिन आनंद फानन में सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के तुरंत बाद
फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट एग्जाम का डेट घोषणा कर दिया गया है। इस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन जो अपने ऊपर उसके लांछन लगा हुआ है वो अपना ये पल्ला झाड़ते हुए विश्वविद्यालय छात्रों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, ये हम नहीं चलने देंगे, ये आज कहने आया है। तीसरी मांग हम लोग का सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी में सदियों से बुक नहीं है, छात्र डिपार्टमेंट से निकलने के बाद लाइब्रेरी में जाते हैं उनको बुक नहीं मिलता है, निराश हाथ लगता है। नरगोना कैंपस के अंदर बीसी साहब के चैम्बर तक एकदम रास्ता ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद आप यदि जाते हुएगा नरगोना कैंपस के अंदर में उस रास्ता का हालत आपको मालूम होगा। डिपार्टमेंट के अंदर में क्लास रूम की जो कमियां खिल रही है, इस ठंडा में छात्र बरामदे पे पढ़ते हैं, इस किस तरीके से पढ़ाई होता होगा बरामदे पे आप समझ सकते हैं, इस तरीके से परिस्थिति मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में है। इस तमाम परिस्थितियों को लेकर के आज हम मिथिला विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं और इस मांग को लेकर के आज हम चेतावनी देंगे मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को कि यदि आप तुम्हारे हमसे बात नहीं करोगे, हमारी मांग नहीं सुनोगे, आज के बाद अनिश्चितकालीन बंद का हम यहाँ से ऐलान करते हैं। हम लोग नरगोना कैंपस से विश्वविद्यालय कैंपस आए हैं, नरगोना तमाम विभागों को बंद कराते हुए आज हम लोग यूनिवर्सिटी मुख्यालय में आए हैं। तमाम ऑफिस कर्मचारियों सभी से अनुरोध करेंगे बंद करेंगे और बंद के बाद हम लोग वहीं पर डटे रहेंगे, जब तक हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? मयंक कुमार यादव, सोशल साइंस फैकल्टी काउंसिल। मेरा रोल नंबर वन है। चाहता हूँ कि हम लोग का एग्जाम जो है समय से पहले लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को किसी लड़के को विद्यार्थी को वो तैयारी नहीं है। हम लोग बोलिए क्या मांग आप लोग का? हम लोग का मांग है कि ये बच्चा का डेट बढ़ाया जाए और हॉस्टल हम लोग को अप्लाई किया जाए और सेंट्रल लाइब्रेरी में हम लोग को किताब मुहैया किया जाए। हम लोग जो है कि अपने से पढ़ रहे हैं, इधर उधर से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, इस मांग को हम लोग को पूरा किया जाए और फीस वृद्धि जो हुआ है उसको लेकर के थोड़ा सा कमी किया जाए, छात्राओं को फी माफी का ये होना चाहिए और पानी की सुविधा के लिए जो है उसका भी थोड़ा सा मुहैया करा जाए, ये हम लोग को मेरा आग्रह है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनकर कुमार है जी। मैं आराधना भारतीय और मैं हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ और यहाँ पर पिछले साल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों का फीस नहीं लग रहा था पीजी में और इस साल से हम लोग की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, करीब 2500 फीस दे दिया गया है, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और फॉर्म में भी काफी फीस लग रहा है, तो लड़कियों के लिए तो फीस माफ थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्लाई फॉर्म भी तो लगा था। हाँ, और बहुत ज्यादा फीस वृद्धि हो रही है और इसके अलावा अगर हमारे पास क्लासरूम भी नहीं है, अगर किसी सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो हम लोग को फिर छुट्टी कर दी जाती है और उसके एक ही क्लासरूम दिया गया हमारे सारे डिपार्टमेंट में और अगर दूसरा क्लास हो तो पीछे बरामदे पे चलाना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि सोमवार से थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल चल रहा है तो हम लोग की छुट्टी कर दी गई है और एग्जाम भी आ रहा है और हम लोग का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो पाया, तो यही हमारी मांग है। क्या नाम हुआ? आराधना भारती। जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट भारी गड़बड़ी को विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। फाइनल फाइनल में एग्जाम का डेट घोषणा को विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब तुमसे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मेन क्लोक जिंदाबाद। लतम जूता हार पिया।
की दवाई करना होगा लेके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। 2 तारीख से विश्वविद्यालय खुली है, लगातार अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहा है। विश्वविद्यालय का काम काज बाधित है। आज भी आप दिखता है उतना बेहतर है नहीं। लगातार जिस तरह से विश्वविद्यालय के रिजल्ट गड़बड़ आ रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि बिहार में रिजल्ट को खराब कर देने में नंबर 1 विश्वविद्यालय बन चुका है। आप देखिए कि अभी पीजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है, रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इस तरह की है कि आप जानते हैं कि दरभंगा का सबसे नंबर 1 कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स के लिए सीएम कॉलेज कहलाता है। वहाँ हिंदी में 16 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे को फेल कर दिया गया और एक भी शिक्षक वहाँ पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है। इस तरह की स्थिति लगातार विश्वविद्यालय में बनती जा रही है। लगातार सत्र नियमित के नाम पर जिस तरह से विश्वविद्यालय को अपने आप को 1 नंबर साबित करने में इतनी धरफरी है कि सत्र नियमित करने के नाम पर बिना सिलेबस कंप्लीट कराए हुए सेकेंड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया गया है। आप समझिए कि लगातार विश्वविद्यालय का जो स्थिति बनते जा रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी यदि चल जाता है DU में JNU में तो वो नेट क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ का विद्यार्थी PRT भी पास नहीं कर पा रहा है। और गवाह के तौर पर आपका मैथिली और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और ऐसे जगह के टीचर को अवार्ड के तहत DSW बना दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय की हालत आज ये हो गई है। CM लॉ कॉलेज जो उत्तर बिहार का एकमात्र लॉ कॉलेज जहाँ पढ़ाई होती है, आज भी वो पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है। आज भी उसको कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उसका विकास लटका हुआ है। आपने देखा कि MLSM कॉलेज में एक जो प्रोफेसर है अनिल चौधरी, NSS कोऑर्डिनेटर, उन पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। उनके आरोप को सत्य करते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने रजिस्ट्रार को भेज दिया, लेकिन आज भी अनिल चौधरी की बर्खास्तगी नहीं हुई है। आज विश्वविद्यालय इस स्थिति में है कि विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार है और कुलपति अपने आप को 1 नंबर साबित करने में लगे हुए हैं। तब हमने डिसाइड किया है कि यदि विश्वविद्यालय में एकेडमिक सत्र ठीक नहीं होगा, छात्रों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, सिर्फ भाषणबाजी होगी, तो ऐसे विश्वविद्यालय को नहीं चलने दिया जाएगा। और हमने आज विश्वविद्यालय बंद किया है। यदि हमारे सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो आज से ही हम विश्वविद्यालय में अनशन। संदीप जी बताइए, आप जो कहते हैं कि सत्र नियमित नहीं होती है, लगातार जब विश्वविद्यालय, संदीप कुमार चौधरी, राजस्थान, मनमानी करती है, चाहे वो कक्षा के नाम पे हो,
चाहे वो परीक्षा फल के नाम पे। आज जिस तरीके से विश्वविद्यालय में हर क्षेत्र में जो विफलता हो रही है वो छात्रों पर थोपने का काम किया जा रहा है, चाहे वो सत्र ठीक करने के चक्कर में जो है विद्यार्थियों का जो भविष्य खराब किया जा रहा है, और कई ऐसी समस्या है। खासकर मैं MBA PhD से किया हूँ, और जब PhD की पढ़ाई MBA की यहाँ पे होती है तो आखिर क्यों गेस्ट फैकल्टी के में बहाली में जो है उनको नज़रअंदाज किया जाता है। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से और राज्यपाल महोदय से भी कि आखिर MBA के जो छात्र MBA से PhD करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री लेते हैं, तो वो डिग्री कहाँ काम करेंगे वो लेकर। आज किस लिए किए हैं वो बताओ। आज हम लोग इन्हीं सब मांगों को लेकर किया है। दूसरी, हम लोगों के संगठन की जो एक छात्रा ने जो है चुनाव लड़ी थी, चुनाव के लिए साइंस विभाग से जो है आवेदन दिया था, उसको जो है असंवैधानिक तरीके से जो उसको अवैध घोषित कराया गया था, उसमें दोषी पाए गए थे DSW, उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन वो मैथमेटिक्स के विभाग अध्यक्ष इनके अग्रवाल जी और चुनाव अधिकारी चंद्रभानु सिंह जी और साइंस की जो है दीन कल्याणी पांडे जी पे अभी तक विश्वविद्यालय ने कार्रवाई नहीं की है, जिसकी हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, और मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आखिर किसके इशारे पे जो है यह इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। ये 5 तारीख को स्क्रूटनी का समय था और 6 तारीख को डिस्प्ले का समय था और 7 तारीख को पत्र जारी करके जो है एक लड़की को चुनाव लड़ने से रोका गया था, उस पर आखिर आप अभी तक कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज मिथिला समाजवादी शक्ति, जो कि समाजवादी विचारधारा है और छात्र युवाओं के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आवाज बनने का काम करता है और करती रहेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद इमाम।